शादा खातून के चैन। आज मैं दही की कढ़ाई बना रही हूँ, दही कढ़ाई। ये देखिए आप, आधा किलो बकरे का गोश्त है, मैंने इसे बॉईल कर लिया है, और ये थोड़ी सी प्याज है, ये मैं तड़के में डालूँगी, थोड़ा सा कढ़ाई मसाला है, काली मिर्चें हैं पिसी हुई, पाँच छः चार हरी मिर्चें हैं बड़ी, और दही एक पाव है, और अदरक लहसुन हरी मिर्चें हैं, पाँच छः हरी मिर्चें छोटी वाली तेज़ वाली, ठीक है। अब देख लीजिएगा, अदरक लहसुन भी है इसके अंदर, ये देख लें, एक चम्मच बड़ा अदरक लहसुन है, आधा किलो गोश्त में बकरे के आपने आधा किलो ये बनाना है दही कढ़ाई में, ठीक है। जबरदस्त, ये कढ़ाई मसाला डाला, वाइट कढ़ाई, ये देख लें अच्छी तरीके से इसे भून रही हूँ, ये भी देख लेना, ये मैंने हरी मिर्ची पीसी हुई डाली है, क्या वाइट कढ़ाई का, दही वाली कढ़ाई का, दही कढ़ाई कितनी ज़बरदस्त बकरे में देखिए, लाल मसाला अच्छा हो जाएगा, ज़बरदस्त हो जाएगा, दही डाला है नहीं तुम्हारे वो कढ़ाई, दही डाल दिया है मैंने इसके अंदर, दही डाल के अच्छे तरीके से भून लिया है, अपने का थोड़ा सा जो पानी डाल के हमें डाला है, आपका गोश्त भी गल जाएगा ये, और अच्छा मसाले के साथ तैयार हो जाएगा। ये नाव पे आएगा हमारा, ज़बरदस्त हुआ, देख लीजिए आप, मैंने इसके अंदर वाइट कढ़ाई का मसाला डाला है, दही एक पाव डाला है, और 10-12 हरी मिर्चें ग्राइंड की हैं, थोड़ी सी प्याज इसमें तली है, और गोश्त थोड़ा सा बॉईल कर लिया था ताकि हमारी जल्दी से कढ़ाई तैयार हो जाए, दही कढ़ाई, ठीक है। ये देख लीजिए आप, पसीना डाला है बघाड़ में, और 10-12 हरी मिर्चें ग्राइंड कर ली हैं, काली मिर्च डाली है 20-25 पीस के, ताकि थोड़ा सा टेस्ट आ जाए, तैयार हो रहा है ये, ना तेल छोड़ेगा ये, ना तेल छोड़ेगा, बहुत मज़े का, बहुत ज़बरदस्त होगा, बनाइएगा दही कढ़ाई, बहुत टेस्टी होगी, आधा किलो में एक पाव दही डलेगा, ठीक है। हरी मिर्च डाल दें, डाल दिए मैंने थोड़ी इसमें, देखिए आप, तैयार हो गई है, बड़ी मज़े की टेस्टी दही कढ़ाई, खाइएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा, सब्सक्राइब करिएगा, आपका देखना और आपका सब्सक्राइब करना, लाइक करना मेरे लिए कामयाबी का रास्ता है, कामयाबी का रास्ता है, ये आपका, ये मेरी मेहनत और आपका देखना, और जो नई लड़कियां हैं जिनको नहीं आता वो ये सीखें, बनाएं, होटलों के खानों से बेहतर है कि आप घर में ये चीज़ें बनाएं और अपने हस्बैंड को खिलाएं, अपने माँ बाप को खिलाएं, अपने सास ससुर को खिलाएं, अब मैं इसमें कोयले का दम लगाऊँगी, ये आप देख लें, ज़बरदस्त तैयार हो गई दही कढ़ाई, इसके अंदर और है ना, इसके अंदर एक पाव दही है, और काली मिर्चें हैं 20-25, और 10 छोटी हरी मिर्चें हैं महीर वाली, और 2 चम्मच एक बड़ा अदरक लहसुन का चम्मच है, एक छोटी प्याज है, और सारा इसके अंदर चीज़ें हैं, देख लीजिए आप, और ज़बरदस्त तैयार है, ये आप बनाई लेंगे बाज़ार में तो ये 1,000-1.5 हज़ार से कहाँ मिल रही है दही कढ़ाई, और मतलब ऐसे बनाते भी नहीं है लोग, ठीक है। आप ज़रूर देखिएगा, आप मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है, क्या है, अभी मैं डिश आउट करूँगी आपको, इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी, आप ये चीज़ों में ध्यान रखिएगा, इंशाल्लाह बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है मेरा काम, बहुत लोग पसंद कर रहे हैं,
और जो आजकल की बच्चियों को नहीं आता, ससुराल में जाके कहते थे कि नहीं आ रहा हमें कुछ भी, लेकिन ये बात सही नहीं होती। बच्चों को सब सीखना चाहिए, माँ बाप के नाम रोशन करना चाहिए। ठीक है, ये मेरी बात के लिए आप नाराज़ नहीं होगा, मैं एक माँ की तरह आपको समझा रही हूँ। बच्चियाँ सीखें इसको, बहुत होता है किसी का दिल जीतना है, खाना पका कर दिल जीते हैं, सास ससुर का, माँ बाप अपने सास ससुर का, अपने शौहर का। ठीक है, अच्छी बात है। अभी मैं आपको डिश आउट करूँगी, फिर बताऊँगी। ज़बरदस्त मैंने इसमें धुआं लगाया है और ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। बस रोटियां मंगाएं, नान मंगाएं और खाएं, बहुत टेस्ट आएगा। पराठों से भी बहुत टेस्ट आएगा, ज़बरदस्त लगेगी। खा कर देखिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर। सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, आप लोग मुझे फॉलो करिएगा और जितना हो सके मुझे सब्सक्राइब करिएगा। इंशाल्लाह देखिएगा आप, और मेरा टाइम जितना हो सकेगा बढ़ेगा, काम अच्छा होगा। मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ गर्मी में, आपको पता है कितनी शदीद गर्मी हो रही है, लेकिन मैं उसमें आप लोगों के लिए रोज़ाना कोई ना कोई डिश डालती हूँ बनाकर। ठीक है, आप देखिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको इंशाल्लाह। चलो शेयर करें, चलें, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। आपको बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, और बहुत अल्लाह ताला हमारे लिए पाकिस्तान की खुशियाँ साल बरकरार रहें। आमीन। 14 अगस्त की है, अल्लाह ताला हमारे लिए खैर से साल गुजरे और सारे हालात ठीक हो जाएं, अल्लाह ताला आमीन। खैर से अल्लाह ताला आप लोग भी दुआओं में याद रखिए, दुआ करिए पाकिस्तान के लिए। ये घूम लेना या फिर लेना या ये बाजे बजा लेना, ये वो नहीं है, अच्छी बात नहीं है। दुआओं की बहुत ज़रूरत है पाकिस्तान को, हमारे पाकिस्तान को दुआओं की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, दुआ करिए आप लोग। चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज़।